फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो आज की रेसिपी क्या है आप देखिएगा, और अगर पसंद आती तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो। ये देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं खड़ी मसूर की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगती है। इसके आगे आप दाल मखनी वगैरह भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगती है। ये मसाला कौन सा हम ऐड करने वाले हैं ये तो आपको बाद में पहले ही सब्जी वीडियो के अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो ये देख सकते हैं हमारी रेसिपी, यानी हमारी मसूर की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ज़्यादा। जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे। और चलिए देख लेते हैं कि ये हमने कैसे बनानी है, क्या करना है इसमें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी मसूर की सब्जी। तो ये देखिए, एक बाउल में मसूर की दाल भिगो दी थी, साबुत दाल भिगो दी थी, तो ये डबल हो गई है फूलकर। कोई भी चीज़ भिगोते हैं तो वो डबल ही हो जाती है, तो ये देख सकते हैं। और एक दो मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, एक टमाटर ले लिया है और ले लिया है दही, देख सकते हैं कर्ड। और लास्ट तक बने रहिएगा, तो लास्ट में टिप भी आपको देंगे, क्योंकि दही, कुछ लोगों की ये समस्या होगी कि दही हम जैसे ही ऑयल में डालते हैं, मसाले में डालते हैं, तो वो मसाला हमारा, दही हमारा फट जाता है, तो वो नहीं फटेगा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, दो इलायची ले ली है और ये कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं, इलायची है, लाल मिर्ची है, तेज पत्ता है और काली मिर्च पाउडर है, काली मिर्च है 5 से 6। तो ये सारे साबुत मसाले हम इस ऑयल में डाल देंगे। तो देखिए, इलायची के छिलके छील लिए हैं और अब हम डाल देंगे। और देखिए, मिर्च इसमें हम निकाल लेंगे, दालचीनी के टुकड़े भी हम छोटे नहीं करेंगे, बड़े ही डालेंगे, जिससे कि लास्ट में, देखिए ये साबुत मसाले हैं वो आप चाहे तो लास्ट में निकाल कर हटा सकते हैं, क्योंकि ये दांत में ना आए इस वजह से। तो जीरा ले लिया है 1 स्पून, ये सारे साबुत मसाले डाल देंगे और मिर्च को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब तक ये साबुत मसाले फ्राई होंगे ना, उतनी देर में क्या होगा, मिर्च हमारी जल जाएगी, इसलिए मिर्च को हमने निकाल लिया है। अब मिर्च डाल देंगे और इसमें तुरंत ही डाल देंगे हम जो बारीक चॉप करके रखा था प्याज, उसको डाल देंगे, 2 प्याज, ये देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, प्याज को खूब अच्छा से, देखिए जैसा कलर हम चाहते हैं वैसा लाने के लिए प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। तो जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, दही ले लेंगे। अब इसमें 2 स्पून दही लिया है, लेकिन ये देखिए, दही को अच्छे से, मतलब पानी नहीं होना चाहिए, बहुत खट्टा भी नहीं होना चाहिए, दही क्रीमी टेक्सचर का होना चाहिए दही। तो ये देख सकते हैं, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, कलर अच्छा आता है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये तीखी वाली मिर्च है हमारी ज़्यादा, तो थोड़ा सा मिर्च डालेंगे। बच्चों की वजह से ज़्यादा तीखा नहीं बनाते, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे और हस्बैंड दोनों ही तीखा नहीं खा पाते हैं। तो अच्छे से इसको फेंट लेंगे। देखिए, आप एक चीज़ याद रखिए कि बिल्कुल इसमें लंग्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से फेंटना है, ठीक है। जितना अच्छे से आप दही फेंट लेंगे मसालों के साथ में, उतना अच्छे से आपकी सब्जी बनकर आ जाएगी। तो देखिए, बीच बीच में प्याज को भी देखते जाएंगे, वरना प्याज हमारा जल जाएगा इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, वही जो पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे गाइस। वीडियो थोड़ी यहाँ पर कट हो गई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वॉइस ओवर बाद में कर रहे हैं इस वजह से। तो ये देख सकते हैं, आप सारे मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा कटोरी में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था दही वगैरह, उसको भी वॉश करके डाल देंगे, जिससे कि मसाला हमारा वेस्ट ना हो। आप अच्छे से फ्राई करेंगे, ये देख सकते हैं, ये देखिए, और आप देख सकते हैं दही हमारा बिल्कुल भी फटा नहीं है ऑयल में जाते ही, बहुत अच्छे से स्मूथली हमारी सब्जी बनकर आएगी। तो ये देख सकते हैं, तो देखिए बहुत तामझाम नहीं है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, घर के बेसिक से मसाले हैं। और ये डाल दिया है टमाटर, एक बारीक कट करके रखा था, उसको डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, पका लेंगे। आप देख सकते हैं, अब इसमें हम डाल देंगे नमक 1 स्पून के करीब, ये देखिए, या देखिए सारी सब्जी का नमक हम यहीं पर ऐड कर लेंगे। और आप देखिए क्या करना है, ये देखिए, अच्छे से फ्राई करना है, इतना अच्छे से फ्राई करना है कि दही का घी और ऑयल सारा बाहर आ जाए, दिखने लगे आपको। तो ये देख सकते हैं, ढककर पका लेंगे और टमाटर भी अच्छे से हमारे कुक हो जाए, क्योंकि टमाटर को पकाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके टमाटर पकेंगे नहीं अच्छे से ना, तो उनका फ्लेवर अलग ही आता रहता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, ऑयल अच्छे से दिखने लगा है, इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, उसको भी डाल देंगे, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं कसूरी मेथी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम साथ में ही डाल देते हैं मसाले के साथ, अच्छे से भुन जाएगा और बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए इस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं मसाला का कलर जो हमें चाहिए था वही कलर आ चुका है, और धीमी फ्लेम पर ही हमने मसाले को भुना हुआ है, क्योंकि मसाला जितना अच्छे से भुनता है उतनी अच्छे से ये हमारी सब्जी बनती है, चाहे कोई सी भी हो। अब उसमें डाल देंगे मसूर, जो साबुत मसूर ली थी वही डाल देंगे। अब हमें मसाले के साथ मसूर को भी भूनना है कम से कम 2 मिनट,
क्योंकि मसूर हमारी भीगी थी, तो जो मसूर के अंदर पानी था वो अच्छे से इसमें सूख जाए। बस इतना अच्छे से फ्राई करना है कि मसूर के ऊपर भी ऑयल दिखने लगे। तो ये देख सकते हैं अब हमारा मसूर पानी सारा सूख गया है मसूर का। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से चलाएंगे और ये देख सकते हैं आप मसूर से ऑयल भी दिखने लगा है मसूर और मसालों से। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो देखिए जितना हमने मसूर की दाल ली थी जितनी, उसमें हमने डबल पानी डाला हुआ है। मतलब एक बाउल हमारा मसूर की दाल थी, एक दो बाउल हमने पानी डाल दिया है, क्योंकि मसूर की दाल बनने के बाद थोड़ा सा गाढ़ी हो जाती है, तो हमें जैसा चाहिए कंसिस्टेंसी वैसे डालेंगे। तो जैसे आपका पानी दो बाउल तो जरूरी है, मतलब एक बाउल में दो बाउल पानी तो जरूर ही डालना है, इससे कम नहीं डालना है। अब इसमें हम 5 से 6 सीटियां ले लेंगे और दाल हमारी अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए विसल निकलने के बाद आप दाल देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और कितना बढ़िया कलर आया है आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे मिक्स कर देंगे। अभी आपको देखिए आप देख सकते हैं मसूर आपको साबुत दिख रही होगी बिल्कुल, मगर आप ये साबुत मसूर देख कर ये मत समझिएगा कि मसूर हमारी पकी नहीं है, बहुत अच्छे से गल गई है। क्योंकि हमें मसूर की दाल ऐसी अच्छी लगती है। इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और इसे उसके बाद सर्व करेंगे हरी धनिया डालकर। एक बात और गाइस, कुछ लोग कहेंगे कि दही डालते हुए फट जाता है, तो एक बात याद रखें, दही जो भी आप दही लें तो सफेटा वाला दही ना लें, यानी जिस दही का घी निकल जाता है वो दही ना लें। आपको दही लेना है फुल फैट वाला, जिसमें पूरी मलाई वगैरह हो अच्छे से, और दही को बहुत बढ़िया प्रॉपर ढंग से उसको फेंटना है मसालों के साथ। नमक बिल्कुल नहीं ऐड करना है। जब आपके दही और मसाले अच्छे से भून जाएं, उसके बाद आपने देखा होगा उसके बाद हमने मसालों को भून लेने के बाद ही हमने नमक ऐड किया था दही के साथ। तो अगर हमारी ये वीडियो छोटी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड